नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया से ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और ये ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, बहुत जल्दी बनने वाला है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये सैंडविच। अगर आपका मन उपता जाए रोज़ ही एक ही तरह के ब्रेकफास्ट करते करते, तो आप इस तरीके का सैंडविच बनाइए। बहुत टेस्टी भी है और बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। बच्चे हो या बड़े, इस सैंडविच को सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं एग सैंडविच बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। सैंडविच को बनाने के लिए हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, हमने वाइट ब्रेड ली है। अगर आप इसके लिए ब्राउन ब्रेड का यूज़ करना चाहते हैं तो ब्राउन ब्रेड से भी आप सैंडविच बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी बनता है। इसके लिए हमने ये 6 अंडे तोड़ कर लिए हैं। जी, हमने चटपटी सी एक चटनी बनाई है अपने घर पर ही, होममेड। ऐसे हमने केचप 2 चम्मच के करीब ली है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी रगानो और चिली फ्लेक्स डाल दी है। इस तरीके से केचप का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी लगेगा ये हमारा सैंडविच। और साथ ही हमने ये 1 बॉल के करीब मोजरेला चीज़ लिया है, ये भी हम इस सैंडविच के अंदर ही डालेंगे। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो आप इसके अंदर स्लाइस वाला जो चीज़ होता है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम अंडे को फिट कर तैयार करेंगे। ये हमने अंडे लिए हैं, जो टूटे हुए अंडे हैं उनके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जैसे कि आधी चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चुटकी हमने काली मिर्च डाल दी है इसके अंदर। इसको हमें फेंटना है। ये वीडियो हम किसी वजह से शूट नहीं कर पाए जब हम इसके अंदर काली मिर्ची और नमक डाल रहे थे, हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से पहले फेंट लेंगे, जैसे कि हमें इसको फोक की मदद से अच्छे से अंडों को फेंट लेना है, तभी हमारे अंडे ज़्यादा फ्लफी से बनेंगे। अच्छे तरीके से इसको फेंटना है, अच्छा सा, बड़े अच्छे तरीके से हमने अंडों को फेंट कर बढ़िया से तैयार कर लिया है। अंडे हमारे अच्छे से फेंट चुके हैं। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस ऑन करके हमने एक पैन रख दिया है और पैन हमारा हल्का गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम तेल डालेंगे। हमने पैन के अंदर 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। अच्छे से हमने चारों ओर तेल को फैला लिया है बढ़िया से पैन के अंदर, ताकि हमारे अंडे हैं जो पैन के साथ चिपके नहीं, इसीलिए हमने ऑयल को अच्छे से चारों ओर फैला लिया है बढ़िया से। अब हम इसके अंदर फटे हुए अंडे डालेंगे। पूरे अंडे का बैटर नहीं हम इसके अंदर डालेंगे, हम आधे अंडे का ही बैटर डालेंगे इसके अंदर। जैसे कि जो हमने अंडे फेंट के रखे हैं उसका आधा ही हमने पोर्शन इसके अंदर डालना। पहले हमने आधे पोर्शन पैन के अंदर डाल दिया है। अब हम जो ब्रेड की स्लाइस है उसको ऐसे रखेंगे और डिप करेंगे अच्छे से। दूसरी ओर से भी हम अच्छे से इसको डिप कर लेंगे। एक ब्रेड स्लाइस को हमने अच्छे से डिप कर लिया है, दूसरा स्लाइस भी हम इसी तरीके से अंडे के अंदर पहले रखेंगे, उसको डिप करेंगे और दूसरी ओर से भी डिप कर लेंगे इसको अंडे के अंदर। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा रखना है, तभी ब्रेड के स्लाइस को अच्छे से डिप करने के बाद हम इसको मीडियम आंच पर अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। पैन को हम हल्का सा घुमा लेंगे ताकि जो अंडा ऊपर थोड़ा रह गया है वो चारों ओर जो पैन है उसके अंदर चला जाए, थोड़ा बड़ा भी हो जाए हम और अच्छे से पक भी जाए। हमने अंडे को अच्छे से फैला लिया है, अंडे जो है ऊपर से भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और एक स्पैचुला की मदद से धीरे से हम इसको छुड़ा लेंगे। बहुत आसानी से ये पैन से छूट जाता है। देखिए, हमने इसको पलटना है, अच्छे से हमने इसको छुड़ा लिया है और हम स्पैचुला की मदद से हम इसको पलट लेंगे। हमने इसको पलट लिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया सा एग सैंडविच बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। 1-2 मिनट तक हम दूसरी ओर से भी इसको सैंडविच को बढ़िया से सेक लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको हम दबा लेंगे ताकि ब्रेड है जो बढ़िया क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाए। हमने अच्छे से इसको सेक लिया है, दिखा देते हैं दूसरी ओर से हमारा सैंडविच कैसा पका है। देखिए बहुत ही बढ़िया से ब्रेड सेक कर तैयार हुई है। फिर से हम इसको पलट लेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर चीज़ डालना है। अब हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे, अच्छे से हम दोनों स्लाइस के ऊपर अच्छी केचप लगा देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, मोज़रेला चीज़ अच्छे से भरकर रखेंगे ताकि बढ़िया और टेस्टी भी बने हमारा सैंडविच। हमने अच्छे से भरकर इसके ऊपर चीज़ लगा दी है। बच्चों को तो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सैंडविच बच्चों का तो फेवरेट है, बहुत ही बढ़िया लगता है। जो ऑमलेट के कॉर्नर है उनको हम अंदर ऐसे मोड़ लेंगे और इसके ऊपर हम स्लाइस को ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए, हमने इसको स्लाइस को फोल्ड कर दिया है, बहुत ही बढ़िया सा सैंडविच सिककर तैयार हुआ है। अच्छे से हम दबाते हुए
फिर से इसको हम हल्का सा दोनों ओर से बढ़िया से सेकेंगे ताकि ये बढ़िया इवनली चारों ओर क्रिस्पी हो जाए। बहुत ही बढ़िया सा सैंडविच सेक कर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको सैंडविच को प्लेट में निकाल लेते हैं। सैंडविच को हमने प्लेट में निकाल लिया है, बहुत ही बढ़िया सैंडविच बना है। अब हम सर्व कर दिखाते हैं हम इसको कैसे सर्व करेंगे। बीच में से हम इसको सैंडविच को काट लेंगे। देखिए बहुत ही चीज़ी सा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बना है। दूसरा सैंडविच भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनते हैं इस तरीके से। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर जब आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। साथ ही मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको जो मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।